you can send for me. See, I have been studying here. There are some reasons my classes get there. Let me ask you this question. Then I put on the same criteria. So overall, there are 54 on there. ਤੇ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੋਰ ਹੈ 54 ਹੈ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 52 ਹੈ। 52 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਰਟਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ? 12ਵੀਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ? 60%। ਹਾਂਜੀ, 60%, 60%, ओके, ठीक है। ते हुण की पूछ रहे हो? हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया ना मैं कंफर्म करना कि मैम मेरे पॉसिबल हैगा। ऑस्ट्रेलिया पूछना नहीं, हरमन पूछना नहीं, अप्लाई करना है, अप्लाई करो आज ही, जितने भी अप्लाई करना है डिसीजन लो। बहुत अच्छा पीटी स्कोर है, इस पीटी स्कोर ते इजीली वीजा निकल सकता है। तुहानू बहुत अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑप्शन मिल सकती है, लैवल 1 दे कॉलेज दे विच आराम नाल तुहाडी एडमिशन हो जूगी। पर डिले नहीं करना, गैप नहीं पाना, विदाउट गैप अपना अप्लाई कर लो, क्योंकि 2019 वाले बच्चों नू इस टाइम एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल होया पिया है। तुसी अपना भी गैप बढ़ा लेना है। हुण अगे आपां तुर रहे हां, जिहड़ा गैप आ ओह दिन ब दिन वध रहा है। 2020 पास आउट वाले बच्चों लई आउण वाला समां बहुत मुश्किल क्रिएट हो सकदी है। डिले ना कर लो, करो अप्लाई करो। और बहुत अच्छा पीटी स्कोर है, क्यों गैप बढ़ा रहे हो, की सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा। पीटी स्कोर भी अच्छा है। तुसी जे फंडिंग नू लैके कोई काउंसलिंग चाहिए, आफ्टर शो तुहानू काउंसलिंग चाहिए है, तुसी ऑफिस विजिट करके काउंसलिंग लेना चाहते हो, अप्लाई करो, क्योंकि 2018-19 वाले बच्चों लई अज ऑस्ट्रेलिया टफ टास्क बन गया उन्हां दे लई। सीओई ते चाहे असीं जस्टिफिकेशन दे भी रहे हां तां वी सीओई निकलनी मुश्किल हो रही है, सीओई अंज डिले हो रही है, वेरीफिकेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ दियां वध रहियां ने। इस करके टाइमली अप्लाई करो, डिले ना करो। हरमन, अज तुहाडा प्रोफाइल अच्छा है, अप्लाई कर लो।